दिल्ली के अनार गार्डन जगतपुरी के 51 क्षेत्र में मंदिर पर भंडारे का आयोजन वरिष्ठ समाज सेवी राजकुमार शर्मा के कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग भंडारे में शामिल हुए। वही कार्यक्रम में अनिल गोयल ने रक्षाबंधन के पर्व के विषय में गोष्ठी की जानकारी दी कि रक्षाबंधन पर्व पर भाई बहन के प्रेम का बंधन को मुस्लिम बहनों के साथ मनाया जाए। ये कार्यक्रम खुरेजी पेट्रोल पंप के पास विवेकानंद आश्रम में आयोजित किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी राजकुमार शर्मा ने कहा, बहन भाई की कलाई में राखी बांधकर भाई बहन के रिश्ते को पवित्र बंधन में बांधती है। बहने क्योंकि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन आज के दिन रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुस्लिम बहनों ने अपने हिंदू भाइयों को राखी बांधकर देश की सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ते हुए सांप्रदायिक स्वास्थ्य का जो संदेश दिया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि भारत ऐसा देश है जहां पर मुस्लिम बहनें बड़ी संख्या में अपने भाइयों को राखी बांधकर भाई बहन के प्यार का प्रतीक के रक्षाबंधन का संदेश दे रही है। वही कार्यक्रम में उपस्थित मुस्लिम बहनों को संबोधित करते हुए अनिल गोयल ने कहा कि भाई की कलाई पर एक धागा या राखी बनती है जिससे रिश्ता गहरा होता है। इसके बाद भाई बहन को उपहार देते हैं। इस प्यार भरे पल को और भी यादगार बनाते हुए अनिल गोयल ने कहा कि यह पुरानी परंपरा है। इसके इतिहास को लेकर सबसे पहले प्रचलित कहानी कर्णावती और हुमायूं की है। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर कहा जाता है कि इसकी शुरुआत हिंदू रानी कर्णावती के मुस्लिम शासक भाई हुमायूं को राखी बांधने से हुई है। एक समय था जब देश में राजपूत शासक आक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। मेवाड़ के राजा राणा सांगा की मौत के बाद मेवाड़ की कमान रानी कर्णावती के हाथों में आई। गुजरात के बहादुर शाह ने उसे दौरान मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण किया था। ऐसे में रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगने के लिए उन्हें राखी भेजी थी। हालांकि हुमायूं की सेना समय पर मेवाड़ नहीं पहुंच पाई और चित्तौड़ में राजपूत सेवा की हार हो गई। रानी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया, लेकिन हुमायूं की सेना ने चित्तौड़ से शाह को खदेड़ भगाया। हुमायूं ने रानी के पुत्र विक्रमजीत को गद्दी सौंपकर राखी का मान रखा। रक्षाबंधन एक मुख्य पर्व है। ये त्योहार भाई और बहन के बीच खास बंधन का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है। इस मौके पर ढेर सारी मिठाइयां बनाई जाती है और पहले अपने भाइयों को राखी बांधती है और उसके बदले में भाई अपनी बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। इस अवसर पर कार्यक्रम में संजय शर्मा, लक्ष्य शर्मा, शशि भूषण, शेर भाई, बब्बू भाई, पवन अरोड़ा, राहुल मैनी, दीपक शर्मा, अजमत भाई, रोहित बोहरा, सुरजीत कपूर, कपिल राणा व अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित मुस्लिम बहनों ने अपने हिंदू भाइयों के राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इसके अलावा अनिल गोयल, कृष्णा नगर विधानसभा भाजपा प्रभारी और पूर्व प्रत्याशी, ने खुरेजी पेट्रोल पंप पर स्थित विवेकानंद आश्रम में आचार्य के पूर्व सहयोग व राजू सचदेवा निगम पार्षद जगतपुरी, संदीप कपूर निगम पार्षद कृष्णा नगर जगतपुरी थाना के SHO, CL मीना, बीट ऑफिसर आसिफ जी, पुलिस फोर्स और मुख्य अतिथि वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भाजपा बहन अंजुम चौधरी और भारी संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई बहन उपस्थित रहे तथा राखी बांधकर भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया। कार्यक्रम में के अंत में सभी मुस्लिम बहनों को उपहार दिए। दिल्ली से रूबी न्यूटन की रिपोर्ट।